जेएनएस के मजदूरों ने जो दूसरा गेट है वो भी जाम कर दिया है और यहाँ पे बड़े पैमाने में महिलाएं और मजदूर हैं जो भी वो आ रहे हैं उनको नहीं आने दे रहे हैं और जमे हुए हैं। तो अभी पुलिस प्रशासन दूसरे गेट पे आया हुआ है ना, तो देखते हैं कि भाई कितना पुलिस प्रशासन दबाव उनके ऊपर बना पाते हैं। और पर महिलाएं जो है जमके वो कर रखी हैं कि आज हम अपना जो है हिसाब लेके रहेंगे। बीजेपी सरकार मोदी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बच्चे कर्मचारियों का पक्का करो, रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, महंगाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ। आज दूसरा दिन है, मैं बंसीलाल ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन राज्य उपाध्यक्ष। आज हमारा दूसरा दिन जो है हड़ताल पूरी तरह से कामयाब है और केंद्र और राज्य सरकार की जो हमारी मांग है उनके प्रति हमारा जो है ये विरोध है हड़ताल करके। तो हमारी एक तो पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, जो कच्चे कर्मचारी पक्के होने चाहिए और ये जो केंद्र की सरकार प्राइवेटलाइजेशन से 6,000 करोड़ का जो है कमाना चाहती है, इसकी बजाय हम जो सरकारी क्षेत्रों का सुधार करके उसमें लाखों पद खाली पड़े उनको भर के जनता को बेहतर सुविधा दें और ये निजीकरण की प्रक्रिया छोड़ दें। इससे जो है ना तो जनता का भला होगा, इसमें सिर्फ पूंजीपतियों का भला होगा, क्योंकि पूंजीपति पैसा कमाने के लिए आएंगे, जनता की सेवा करने के लिए नहीं आएंगे। तो जनता आपको चुनती है तो जनता के हित के फैसले लें और हमारे लेबर कोड जो पहले से बने हुए थे, हमारी जो छतरिया काम करते थे, हमारे बच्चों के परिवार की सेवा उसके लिए छतरिया काम करते थे, वो वही रहना चाहिए अगर उसमें सुधार की तो सुधार किया जाए। लेकिन वो जो नए 4 करोड़ जो बनाया जाए उसका कर्मचारी विरोध करते उसको रद्द किया जाए और तमाम मांगों को लेकर हम जो दूसरे दिन की हड़ताल पर है। धन्यवाद।